वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो आज 2.65 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिए रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक ने। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसके साथ ट्रेडिंग क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि आज ओपन होने के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, तो गिरावट तो हो चुकी थी, पर यहाँ पे 2.55 लेवल काफी दिनों से यहाँ पे 2-3 दिनों से सपोर्टिव रह चुकी है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए। आज वो उसी लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, पर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 2.65 लेवल उसको यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं दिया, काफी समय तक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और डे एंडिंग में उसी लेवल पे क्लोजिंग दे चुका था यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक। आज ओपन हुआ था यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ही 2.65 पे, हाई बना था 2.65 का और लो है आज का 2.55 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 727 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है रिलायंस कम्युनिकेशन का। और पिछले 5 दिनों की बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 3.64% की गिरावट देखने को मिले और 1 मंथ में तकरीबन 11.67% की गिरावट हो चुकी है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक में। चार्ट एनालिसिस पर भी नजर डाले तो रिसेंटली देख सकते हो तो इस मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिछले मंथ में यहाँ पे सपोर्टिव लेवल थी 2.60 उसको भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक। जबकि नीचे सपोर्ट 1 भी है यहाँ पे 2.55 पे जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, आज भी वही पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक ने। जबकि 2.55 टू 2.50 लेवल ब्रेक होते तो और गिरावट का सामना करना पड़ेगा रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक को और बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।